सो हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो गाइस, फाइनली MIUI 12.5 अपडेट Xiaomi, Redmi एंड Poco जैसे स्मार्टफोन्स में रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और बहुत सारे स्मार्टफोन्स में जैसे Redmi Note 10, Redmi Note 10S, Redmi Note 9 में भी ये अपडेट आ चुका है। तो गाइस, हम आज इस वीडियो में ये बात करेंगे कि इस अपडेट में आपको क्या फीचर्स देखने को मिलता है और कौन कौन से फोन एलिजिबल है इस अपडेट के लिए। तो गाइस, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं। तो गाइस, पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से फीचर्स आपको इस अपडेट में देखने को मिलेगा। तो वैसे तो गाइस, बहुत सारे फीचर्स इस अपडेट में आपको मिलेंगे, लेकिन जो मेन फीचर है वो मैं आपको बताता हूं। तो गाइस, जो फर्स्ट फीचर है, उसके हेल्प से आप अपना सिस्टम ऐप को हाइड कर सकेंगे, जैसे कि गैलरी हो गया, कैलकुलेटर हो गया, म्यूजिक हो गया, कैलेंडर हो गया, आप इन सारे सिस्टम ऐप्स को हाइड कर सकेंगे। और जो सेकेंड है वो है कि आपको इस अपडेट में बहुत सारे कूल थीम्स मिलेंगे, वॉलपेपर्स मिलेंगे, रिंगटोन्स मिलेंगे। तो गाइस, ये दो मेजर अपडेट आपको मिलेगा इस अपडेट में MIUI 12.5। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से स्मार्टफोन इस अपडेट के लिए एलिजिबल हैं। तो वैसे तो गाइस, बहुत सारे स्मार्टफोन्स हैं जो इस अपडेट के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर मैं आपको उन सारे स्मार्टफोन्स का नाम बताने लगूं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए गाइस मैंने एक ब्लॉग पोस्ट लिख रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको उन सारे स्मार्टफोन्स का नाम मिल जाएंगे जो इस अपडेट के लिए एलिजिबल हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, एक लिंक मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको उन सारे स्मार्टफोन्स का नेम शो हो जाएगा जो इस अपडेट के लिए एलिजिबल हैं।